Hi, welcome to my channel. This video is solve current question number 8. Construct, if possible, a quadrilateral ABCD in which AB is equal to 6 cm, BC is equal to 7 cm, CD is equal to 3 cm, AD is equal to 5.5 cm, and AC is equal to 11 cm. Give reasons for not being able to construct if you cannot. ठीक है, हम रीजन देंगे यदि नहीं कर पाएंगे तो. तो पहले तो हम रफ डायग्राम बनाएंगे, फिर कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करेंगे. तो हो सकता है कि बीच में जाने के बाद हम कंस्ट्रक्ट ना कर पाए. तो जहाँ पे हम नहीं कर पाएंगे, जहाँ से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, वहीं पर हमें रीजन मिल जाएगा कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, और वहीं पर हम रीजन लिख देंगे आंसर में. तो तुरंत यहाँ पर रीजन लिखना सही नहीं होगा. हम कंस्ट्रक्ट करके जब वहाँ पहुँचेंगे जहाँ पर हम कर नहीं पाएंगे, मतलब कि कंस्ट्रक्ट करना मतलब पॉसिबल नहीं होगा, तो वहाँ से हम लिख देंगे रीजन. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले रफ डायग्राम हम खींच लेंगे. ओके, फाइनली हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया रफ स्केच. अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे AB से. ठीक है, आप यहाँ पर AC को ड्रा करके भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं AB से स्टार्ट करना. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं AB से. अब हम क्या करेंगे कि 11 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के और A को सेंटर मान करके हम एक आर्क खींचेंगे. उसके बाद B को सेंटर मान करके और 7 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के दूसरा आर्क खींचेंगे, जो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे C पॉइंट पर. ठीक है, लेट अस डू दिस. ओके, तो आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है वो आपका C मिल चुका है. तो यहां पर हम C नोट कर लेंगे. AC एंड BC को ज्वाइन कर लेंगे. ओके, AC एंड BC को ज्वाइन करने पर हमें मिल गया एक ट्रायंगल. ओके, अब देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा कंस्ट्रक्शन हो पाता है कि नहीं. तो अब A को सेंटर मान करके 5.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के एक आर्क खींचेंगे और दूसरा आर्क खींचेंगे C को सेंटर मान करके 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के. अब देखते हैं कि वो डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट होता है कि नहीं. यदि इंटरसेक्ट हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये कंस्ट्रक्ट हो सकता है, यदि नहीं होगा तब प्रॉब्लम होगी. तो लेट अस सी. तो हमने यहां पर A से 5.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के एक आर्क खींच लिया है. अब C से क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के एक आर्क खींचेंगे. देखते हैं कि ये इंटरसेक्ट करता है या नहीं. ओके, 3 सेंटीमीटर का यदि हम रेडियस लेते हैं तो ये बिल्कुल इसके बहुत दूर है, ये इसको टच भी नहीं करेगा. तो कट करने की बात तो अलग ही है, मतलब इंटरसेक्ट तो कभी करेगा ही नहीं. तो देखिए यहाँ पर ये क्या मतलब इधर बन रहा है. तो आप रीजन यहीं पर समझ में आ गया होगा आपको कि जब सी से हम रेडियस ले रहे हैं 3 सेंटीमीटर और ये जो ले रहे हैं 5.5 सेंटीमीटर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो AC लेंथ से छोटा हो जाएगा. और आप जानते हैं कि ट्रेंगल का कंस्ट्रक्शन तभी हो पाता है, मतलब कि एक ट्रेंगल मान लीजिए आपका यहाँ पर है, इस ट्रेंगल का कंस्ट्रक्शन तभी हो पाएगा जब ये जो साइड है और ये जो साइड है, इन दोनों साइड्स का सम जो है इससे क्या हो, हमेशा बड़ा होना चाहिए. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमें कोई भी ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्ट तभी कर सकते हैं. यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ये. ठीक है, और इसको हम नोटेशन कर देते हैं A, B and C. तो इसका कंस्ट्रक्शन तभी हो सकता है जब दो साइड्स का लेंथ मीन्स AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC. मीन्स द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तभी हम एक ट्रेंगल का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, एक ट्रेंगल का कंस्ट्रक्शन ही कर रहे हैं. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये केवल 5.5 ही है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, 3 ही है. दोनों को यदि ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 5.5 प्लस 3.0 क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा 8.5 भी आ रहा है ना. लेकिन ये जो AC है वो AC कितने का है, 11 सेंटीमीटर है. दिस इज 11 सेंटीमीटर. तो अब यहाँ पर हम कभी भी ये ट्रेंगल बना नहीं सकते, मतलब इन दोनों को हम इंटरसेक्ट करा ही नहीं सकते,
देयरफॉर दिस क्वाड्रिलेटरल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड. तो क्या आप रीजन लिखेंगे, जो यहाँ पर लिखेंगे रीजन वो क्या लिखेंगे? वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल बिकॉज ध्यान दीजिए यहाँ पर AD प्लस DC, बिकॉज AD, देखिए यहाँ पर ये जो AD लेंथ है प्लस DC is not greater than AC. ठीक है, मतलब यही आपका जेन्युइन आंसर होगा. क्या होगा? AD प्लस DC, मतलब कि AD और DC दो साइड्स का सम जो है हमेशा थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए. बट इट इज़ नॉट, AD प्लस DC इज नॉट ग्रेटर देन AC. मैंने ऐसे बना करके काटा हुआ है, मतलब कि नॉट ग्रेटर देन AC है. ठीक है, दिस इज द ओनली रीजन. यहां पर लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि एज वी नो दैट A triangle can only be constructed if the sum of its two sides is greater than its third side. Okay? तो यही आपका रीजन होगा. और सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए आप. यदि किसी एक्सरसाइज पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं मुझे. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.